विभिन्न देश में फंसे हुए भारतीय छात्रों की वतन वापसी के लिए छात्रों के परिजनों ने सुंदरकांड का पाठ शुरू कराया। एमबीबीएस के छात्र गोविंद राठौर के परिजनों ने साधु संत और पुजारियों के साथ पूरे परिवार के साथ विधि विधान से सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। देश की सरकार के साथ साथ ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द यूक्रेन देश से सुरक्षित भारत लाया जाए। यहाँ बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर शहर निवासी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसडी राठौर का बड़ा बेटा यूक्रेन में एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र है। साल 2022 में आगामी 2 से 3 महीनों के भीतर उनकी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी हो पाती, उससे पहले ही रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी है। इस हालातों में वो भारत देश के 20,000 के करीब छात्रों के साथ वहीं फंसे रह गए हैं। देश की सरकार छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित लाने के लिए लगातार प्रयास करी है, लेकिन अभी तक गोविंद देश वापस नहीं आ सके। अब उनके परिजनों ने साधु संतों की सलाह पर घर में सुंदरकांड का पाठ शुरू करके भगवान से छात्रों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना की है। छात्र गोविंद के पिता का कहना है कि भगवान से प्रार्थना करें और देश की सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है, जवाब उनके बच्चों को सुरक्षित वापस लाएंगे। मेरा पुत्र गोविंद राठौर खारकीव में मेडिकल यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का छात्र है। इस समय वो लोग खारकीव में फंसे हुए हैं। कल रात को एक बंकर में उन्होंने शरण ली थी और काफी हालात ठीक नहीं है, डर का माहौल है, काफी परेशानियां बच्चों को हो रही हैं, लेकिन मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पर और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर कि वो हमारे देश के सभी बच्चों को सकुशल वापस लेकर आएंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे सकुशल वापस लौटें।